तो देख सकते थे हम भाई बाहर आए हुए थे, यूनुस भाई घर जा रहे थे, तो यहाँ पे भीड़ लग रही है बहुत ज्यादा। शायद मीडिया वाले भी आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, देख सकते हैं आग लग रही है यहाँ पे, देख सकते हैं कितना काला धुआं उठ रहा है, और देख सकते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। हम भी उस साइड, मारो उसको, मारो उसको, मारो उसको, मारो, डांस कर लो, डांस कर लो, क्या करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो स्वागत आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग पे। भाई चिल्ला यार, देख सकते हैं कपड़े भी नहीं बदले, और ये कौन आया हुआ सुबह सुबह? छाबलिन बाजी के पास जाएंगे। ये किन आया? इन्हें आपने मेरे एक ब्लॉग में देख ही रखा है, कौन है ये? देख सकते हैं इन्हें अभी तक कपड़े नहीं पहने, बस अभी सो के उठा है। भाई तो तुमने कौन सी पहनी? मैंने भी कुछ नहीं पहन रखा, नीचे पजामा पहन रखा है। गाइस बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मैंने मतलब रात को हल्के कपड़े पहन के सोता हूँ ना, ऊपर टी शर्ट और नीचे पजामा, तो हल्के कपड़े। वैसे तो लोअर पहन के सोता हूँ, अभी अम्मी ने कपड़ों की मशीन लगाई नहीं, तो लोअर करना है। और देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, करियो खेल रहा है। इनाया इनाया, मारो उसको, मारो उसको, मारो उसको, मारो, डांस कर लो, डांस कर लो, क्या करिए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा मुंह धो ले और अभी थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाए, थोड़ा उठेगी। अभी मेरे हाथ में घड़ी है नहीं, तो लगभग अभी बज रहे होंगे 11:30, 11। तो हमने 11:30 भी अपना ब्लॉग स्टार्ट करा, तो अभी जल्दी से तैयार होकर आते हैं, कल वाले कपड़े पहन लेंगे। जिसने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा, कल वाला ब्लॉग देखिए, बहुत ही ऑसम ब्लॉग था। हम गए थे जू और इंडिया गेट, तो अब देख सकते हैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो हम गए थे इंडिया गेट, तो बच्चे रोने लगे। हम गए थे इंडिया गेट, जल्दी जल्दी जाइए उस ब्लॉग को देखिए। और यूनुस भाई की फैमिली और हमारी फैमिली गई थी, चलिए अभी पहले उधर किचन में बनाएंगे ये रूम। भाई इस रूम में ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है, इतनी ठंडी रहती है, बस क्या बताऊँ मैं आपको, ताला लगा देता हूँ रात को इसमें, क्योंकि चोरी वोरी का डर रहता है ना। तो अभी यहाँ से ताला खोलूँगा, ऐसे यहीं मैं ब्लॉग चालू करता हूँ अपना, क्योंकि यहीं से सही रहता है। मैं बस थोड़े दिनों से वहीं से अपना ब्लॉग चालू करूँ, क्योंकि उस रूम में गर्माहट रहती है। तो गाइस पहले होके आए थे रेडी, उसके बाद मिलता है आपसे। और उस रूम में जो शोर शराब हुआ है उसको इग्नोर करके मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो मिलता है आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है गाइस? A few moments later. तो गाइस अभी हो चुका हूँ मैं तैयार, देख सकते हैं मैं अपने इस रूम में आके। तो उस रूम में हो रहा था शोर, मेरे भाई बहन लड़ रहे थे एक दूसरे से। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस रूम में अपने, और इस रूम में देख सकते हैं इतना फैला हुआ हो रहा है, यहाँ पे ठंड इतनी हो रही है भाई, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा इस रूम में ठंड लगती है। बाहर तो धूप है, मैं गया था अभी बाहर, बस बाहर से क्या आया था, बस यहाँ नुक्कड़ तक गया था, नुक्कड़ से वापसी अंदर आ गया। और मैं जब कल नहा लिया था ना ठंडे पानी से नहा लिया था एकदम, तो इस वजह से मेरे को जुकाम हो गया। तो अभी गाइस मैंने अभी नाश्ता करके बस आया ही हूँ, और अम्मी ने बिरयानी भी गर्म कर ली थी, कल अम्मी ने बनाई थी बिरयानी, तो वो मैंने अम्मी ने गर्म कर दी थी, तो मैंने खा ली। और अभी हमारे भाई बहन भी तैयार हो रहे हैं, हम तो तैयार हैं ही, कल वाले कपड़े पहन लिए, जैसे कि वाली जीन्स पहन रखी थी हमने कल। और अभी जाएंगे हम यूनुस भाई के घर, क्योंकि यूनुस भाई के फादर जो है वो हमें कल बोल के गए थे कि बच्चों तुम्हें कल आना है तो आना है, तो इसी वजह से तो अभी हमें जाना पड़ रहा है वो यूनुस भाई के घर। तो थोड़ा हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि कल भी ब्लॉग बनाया था, आज भी तो हमारा डेली डेली बन रहा है, बस बीच बीच में गैप हो जाता है, एक एक दिन छोड़ देते क्योंकि स्कूल की वजह से, तो वो थोड़ा टाइम निकल जाता है, क्योंकि स्कूल भी जाना ज़रूरी है गाइस, पढ़ाई भी ज़रूरी है हमारे लिए, और क्योंकि और भी काम होता है ना। तो गाइस अभी हम जल्दी से यूनुस भाई के घर जा रहे हैं, उधर सब तैयार हो रहे हैं, चल रहे उस घर में दिखाते हैं क्या है, हम जवाई हुए कि नहीं तैयार, चल रहे उस घर में पहले। और तो गाइज अभी आ चुके हैं हम अपने इस रूम में, और अम्मी बात कर रही है फोन पे, तो ज्यादा इग्नोर कीजिएगा उस बात को। हम जवाई हो चुके हैं तैयार, देख सकते हैं घड़ी दिखा रहे हैं, वो भी बहन है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर अम्मी बात कर रही है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो अब देख सकते हैं ये हमारे हमजा भाई हो चुके हैं तैयार, इनका लुकअप आज अच्छा लग रहा मुझे भी। नाम नहीं बदनाम है, ये नाम नहीं बदनाम है, ब्रांड है, कुछ भी ब्रांड गाइस, ये ब्रांड है, यानी शायद अपने आप में ब्रांड है। मैंने सोच लिया कि आ मेरी जान। गाइस हम वापस अपने इस रूम में आ चुके हैं, और उस रूम में अम्मी बात करी तो शोर हो रहा था, और
अभी बस हो चुके हैं सब तैयार, हम भी तैयार हो जाते हैं, बस तेल वेल लगा लेंगे थोड़ा सा बाल में और मुंह धो लेंगे और जल्दी से चल रहे हैं यूनुस भाई के घर, क्योंकि बाहर की क्लिप दिखाएंगे तो नहीं, हम जल्दी से चलते हैं यूनुस भाई के घर, या देख लेंगे जैसा हमें मौका मिलेगा ना तो बाहर की क्लिप दिखा देंगे, वरना तो हम सीधा वहाँ उनके घर पर चले आएंगे। तो आपसे मिलते हैं उनके घर पर, क्लिप दिखा देंगे तो उसको इन्जॉय कीजिएगा देख के। तो जल्दी से चल रहे पहले बाहर, ठीक है। तो देख सकते थे हम भाई बाहर आए हुए थे, यूनुस भाई घर जा रहे थे, तो यहाँ पे भीड़ लग रही है बहुत ज़्यादा, शायद मीडिया वाले भी आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, देख सकते हैं आग लग रही है यहाँ पे, देख सकते हैं कितना काला धुआं उठ रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, हम भी उस साइड चलते हैं। देख सकते हैं मीडिया वाले आए हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा चाहिए मांग नहीं रहे आपको, पूरा बहुमत है। गाइस तो देख सकते हैं आग बहुत ज्यादा लग चुकी है, अब हम जा रहे हैं आगे जल्दी से, देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड हो रहा है, यहाँ पे जाम भी लग चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है, और अभी जा रहे हैं हम जल्दी से आगे। तो गाइस अभी जा रहे हैं आगे यूनुस भाई के घर पे, घर पे बताएंगे यहाँ क्या हुआ है। तो अभी चल रहे हैं यूनुस भाई के घर पे जल्दी से, मैंने यहीं पे वीडियो स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैं पहुँच चुका था यूनुस भाई के घर से, बस थोड़ी दूर हूँ मैं, और चल रहे जल्दी से अब यूनुस भाई के घर पे, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यूनुस भाई के घर पे, और यूनुस भाई अभी आ चुके हैं यहाँ पे लिफ्ट में, हम दोबारा जा रहे हैं नीचे, अभी अभी पहुंचे थे, अभी दोबारा जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमारी अम्मी भी आ चुकी थी, हम पहले आ गए थे यहाँ पे और अम्मी को लेके जा रहे हैं। यहाँ से लिफ्ट का बटन दबा दो जल्दी से लिफ्ट में, भाई साहब हम लिफ्ट में, वो देख सकते हैं कितनी प्यारी लिफ्ट है, ओ भाई मारो। और गाइस जल्दी से चल रहे हैं नीचे और अम्मी को लेके आएंगे। तो एसी चला रहा भाई, एसी चला रहा, ओ सही में चल रही भाई एसी, भाई साहब हवा आ रही है साइडों से भाई साहब। गाइस नीचे चल रहे हैं जल्दी से, वैसे तो आ ही गए नीचे, देख सकते पहुंच गए नीचे, अब जल्दी से चल रहे हैं। और पीछे जो हो था भाई साहब, पता नहीं क्या दंगे होंगे हो गया था वहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ था भाई, मुझे खुद को नहीं पता चला वहाँ क्या हो गया था, और अब क्या बताएं आपको क्या क्या हो जाता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं पता। तो अभी फिर से यार देखेंगे कुछ हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा, अंदर सब तो भीड़ हटी गई होगी, और देख सकते हैं कैसे चल रहे हैं फुल चौड़े में, और देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे भी काम चल रहा है भाई साहब, और हमारा जो वहाँ पे रोड है ना गली से निकलते हैं वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो अभी जल्दी से बाहर जा रहे, देख सकते हैं गड्ढा खुदा हुआ, अब यहाँ से जाएंगे निकलेंगे कैसे यार, देख सकते हैं गड्ढा हो रहा है यहाँ पे, और दिखाता हूँ कितना गहरा गड्ढा हो रहा है, इतने बदबू आते हैं भाई यहाँ पे, देख सकते हैं ऐसे सीवर डल रहे हैं, और ये देख सकते हैं गड्ढा यहाँ पे ये बना रहे हैं सीवर आराम से, और देख सकते हैं बाहर पूरी कीचड़ हो रही है यहाँ पे। तो गाइस अभी अम्मी को लेकर आके सीधा यूनुस भाई के घर पे मिलते हैं, और देखेंगे आगे क्या हो रहा है, यूनुस भाई आगे अभी हो रही होगी वो लड़ाई वड़ाई जो भी हो रही थी, अभी तक तो क्राउड हट गया होगा, तो जल्दी से अभी चल रहे आगे, या तो यूनुस भाई के घर पे मिलेगा, ठीक है गाइस। अभी हम आ चुके हैं यूनुस भाई के घर पे, और अभी अभी आया बस यूनुस भाई के घर पे अम्मी को लेके, और हमारा चले गए थे ऊपर छत पे, तब तो छत पे लग रहा था ताला, हमने सोचा कि छत भी दिखा देंगे यूनुस भाई, कितनी बड़ी छत है, और देख सकते हैं यूनुस भाई हम जो आ रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई टैक्स वैक्स का क्या होता है क्या नहीं होता है, बताओ इतने छोटे होके डिस्कशन कर रहे हैं, यूनुस भाई 14 साल के हैं तो ये डिस्कशन कर रहे हो, एक यूनुस भाई के भाई यूसुफ भाई है, और हमारे हमजा भाई ये टैक्स वैक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो गाइस ये यूनुस भाई का एक रूम है, इसमें यूनुस भाई और ये सब सोते हैं बाहर यूनुस भाई के हॉल में, ये यूनुस भाई का हॉल है, देख सकते हो कितना बड़ा हॉल है, और इधर तो भाई किचन है। तो गाइस यूनुस भाई के हॉल से हम आ चुके हैं, यूनुस भाई का अपना एक रूम है, यहाँ पे यूनुस भाई और यूसुफ भाई सोते हैं। गाइस अभी तो हम कुछ करेंगे नहीं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, अभी अभी आए थे और अपनी वीडियो चालू कर दी हमने, और अभी सब नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम भी चलते हैं थोड़ा नमाज पढ़ के आ जाते हैं। गाइस अभी थोड़ी देर बाद मिलता आपसे, वैसे भी नमाज पढ़ने आ रहे हैं, तो मिलता है आपसे थोड़ा ब्रेक के बाद, ठीक है गाइस। गाइस अभी हमने खाना खा लिया, खाना बन चुका था तो हमने खाना खा लिया, और अभी बस हम खाना खा के आ चुके हैं, और ये हमारे यूनुस भाई, यूनुस भाई देख सकते हैं शक्ल छुपा रहे हैं, पता नहीं कह रहे हैं मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही, और लो फ्लैश जला दूँ तुम्हारे लिए, लो अब सही आएगी, और हमारे हमजा भाई कम्बल में बैठे खाना खा के, और ये फ़ोन चला रहे, फ़ोन में क्या चला रहे, फ़ोन देख रहे हो भाई साहब, वन प्लस का फ़ोन चला रही है। तो गाइस हमने खाना खा लिया और भाई पेट भर गया, एक नंबर खाना बना था भाई साहब, ऐसा खाना बना था मज़ा आ गया भाई, खा के बिरयानी बना रखी थी इनकी अम्मी ने,
और मजा आ गया भाई सब। मेरी घड़ी हो चुकी है बंद, देख सकते हैं। मैं इसका बटन ऑन करता हूँ पहले, घड़ी मतलब ऑन ही नहीं हो रही। इसकी हो चुकी है बैटरी डेड, 3 दिन से इसको मैंने चार्जिंग पर लगाया, 3 दिन इसका बैटरी बैकअप है। मैंने पूरी चेक कर ली और नज़ला हो रहा बिरयानी में, बहुत मसाले देना गर्म उस वजह से। और गाइस अभी देख सकते हैं ये एक इनका रूम है, ये वाला तो यूनुस भाई देख सकते हैं, ये बैठे और फोन आ चुका लग रहा हमारे पापा जी का, देख सकते हैं ये यूनुस भाई, ये रहे हमारे हमजा भाई। अम्मी को फोन देकर आते जल्दी से। अरे नंबर तो अभी अम्मी को फोन देकर आ चुके हैं और अभी वो से रूम में आए हैं, अभी इस रूम में बैठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। आज का व्लॉग भी आज घर घर में घर घर में कहीं घूमे भी नहीं भाई, अपनी शक्ल छुपा रहे, शक्ल दिखा दी मैंने भाई तुम्हारी, अब कोई फायदा नहीं है। आज हमारा घूमने जाने का प्लान था पर घूमने जा नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी गाइस, आज घर ही घर में रहेगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम हुई थी। तो गाइस आज का कंटेंट यही था हमारा, घर ही घर का व्लॉग, होम व्लॉग अपने आप को मैंने दिखाया ज़्यादातर, तो थोड़ा देख के एंजॉय कीजिएगा प्लीज़ गाइस, सॉरी उसके लिए हम कहीं जा नहीं पाए। संडे का दिन तक जाने का मन तो था पर जा नहीं पाए, तो अभी मिलता है आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस गाइस अभी हम जा रहे हैं घर पे और बस अभी अम्मी आ रही है अंदर से, और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता था, मेरी जो यूनुस की बहन है मतलब वो हम दोनों एक फ्रेंड टाइप है ना, हम तीनों मेरे तीनों भाई बहन और हम मतलब दोनों फैमिली हम फ्रेंड टाइप है, तो उन्होंने मेरे को ये दिया भाई साहब, मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगा भाई साहब, इसका मतलब बहुत अच्छा होता है, पढ़ के देख लीजिए गाइस, इसको भी यहाँ रख दो क्योंकि पलटना है मैं कैमरा। गाइस दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा ये, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, तो मेरी वीडियो देखते होंगे तो सुन ही लेंगे। और गाइस बहुत अच्छा लगा मुझे, अम्मी बस आ रही है और हम जा रहे हैं, और वैसे बहुत टाइम हो चुका है, टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं शायद 10 बज चुके हैं, और भाई मुझे दिल से अच्छा लगा भाई। अब इसको संभाल के रखने का है, उन्होंने कहा जैसे ये खो गया तुम्हारी फ्रेंडशिप भी टूट गई, तो इसको खोने नहीं देना का, इसको बहुत संभाल के रखना है हमें। अब ये कैसे संभालेंगे हम पे डिपेंड करता है, तो अब देखेंगे क्या करेंगे इसके साथ, इसको अच्छी सी जगह या अपने साथ ही साथ लेके घूमेंगे, तो अब देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी जल्दी से चलते हैं पहले, अम्मी को आने देते हैं, चलते हैं पहले बाहर, ठीक है गाइस। अभी जाते मैं रास्ते की क्लिप जरूर दिखाएंगे आपको कि ठंड कितनी ज़्यादा हो रही है बाहर, तो चल रहे अभी जल्दी से पहले बाहर, ठीक है गाइस। चुके हैं और भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुलेट वाला पटाखे फोड़े आ रहा है, कोहरा जो हो रहा है भाई क्या खासी है। गाइस हम आ चुके हैं घर पे और भाई इतनी ठंड हो रही थी भाई सब क्या बताऊँ मैं आपको, वीडियो बनाते बनाते जब रास्ते के लिए दिखा तो मेरे हाथ के चिल जम गए एकदम, और इशारे ने एक पोपट कर दिया हमारे साथ, दूर ले आके फेंक दिया था, मैं वहाँ से पैदल आना पड़ा, मतलब जसोले की पुलिया पे ले आके वहाँ उतने दूर से हमें पैदल आना पड़ा भाई, घूम घाम के पता नहीं रास्ता बंद हो रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है बाहर, हो सके कल के व्लॉग में कलम स्कूल ला जाए तो कल के व्लॉग जरूर बनाएंगे, कल के व्लॉग में दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है भाई, पूरा रोड बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है भाई, और वैसे आज मज़ा आ गया भाई, कतई झेर मज़ा आया। यो उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी, और बस जा रहा हूँ कंबल में लेटने क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई साहब, और ठंड लग रही है भाई, पूरे पैर वेर है ना एकदम ठंडे हुए भाई, जूते के अंदर इतने ठंडे लग रहे हैं मुझे, और मेरा बटन भी टूट गया शर्ट का, हम जाने बिल्कुल यूं खींचा ना वो भाई, बटन निकल के आ गया बाहर, अब क्या भाई नज़ला हो गया, कोल्ड हो गया भाई, कल दवाई लेकर आनी पड़ेगी भाई। मेरी बहन का स्कूल तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस हो चुकी है ख़त्म, अब हमारी पता नहीं, अभी तक हमें कुछ पता भी नहीं चला क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो गाइस इसके लिए अभी हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारी क्लासें बंद हुई है कि नहीं। गाइस ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या घुर रहा तू, क्यों घुर रहा, देख सकते हैं जैकेट कितनी प्यारी है इसके ऊपर। तो गाइस अभी हम नव लोग एंड करने आ रहे हैं, तो गाइस देख सकते हैं आज हम कुछ तो नहीं सिर्फ घर का व्लॉग दिखा रहे हैं, और अब क्या बोलूँ मैं, तो गाइस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए, जल्दी से 1K करवाइए,
1K ने 500 तक पूरा करवा दिया, 141 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ऑल यूट्यूब फैमिली के लिए। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, व्यूज भी मेरी एक राहुल गांधी वाली वीडियो पे 5000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए भी शुक्रिया, 5K लग चुके हैं मेरी वीडियो पे। तो मिलता आपसे एक अगली वीडियो पे, ठीक है, बाय बाय, टाटा।